जिस शब्द का हम उच्चारण करते हैं, दिन रात प्रयोग करते रहते हैं, वह शब्द कहाँ होता है? देखा कभी कहीं? कहीं किसी को मिल सकता है या नहीं मिल सकता? उत्पन्न कहाँ पर होता है? किसी शब्द को उत्पन्न होते हुए देखा आपने कभी? तो ऐसे 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 उत्पन्न हो गए, कैसे कहा? पर बोलते तो स्वयं ही है ना, किसी से पूछ के तो बोलते नहीं है, दिन भर बोलते रहते हैं, स्वयं बोलते हैं, लेकिन ये भी नहीं पता लगता कि बोलते कैसे। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, बना रहे हैं, बनाते रहते हैं दिन भर उसको, लेकिन ये नहीं पता लगता है बनाते कैसे। तो इससे क्या बात निकलती है? हम ही बनाते हैं, किसी और ने बना रखा है उसको, किसी और के कारण से बनता है या हमारे कारण से बनता है? जो शब्द हम बोलते हैं, उत्पन्न करते रहते हैं, वो हमारे कारण से ही केवल उत्पन्न हो रहा है या किसी अन्य के कारण से उत्पन्न होता है? तो यह शब्द या ये शब्द केवल हमारे कारण से उत्पन्न होना संभव नहीं है, क्योंकि हमें वैसा करना नहीं आता है। कर तो रहे हैं लेकिन करना नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा कर्तृत्व नहीं है उसमें, हम उसके माध्यम हो सकते हैं अथवा आवर्तक हो सकते हैं, उसको दोहराने वाला, कर्ता नहीं हो सकते उसके। कर्ता होने के लिए उसका आरंभ हमें पता होना चाहिए, वो क्रिया हमसे पहले से ही हो चुकी है या हमारे से अतिरिक्त साधन से भी संपन्न हो चुकी होती है वो, इसका हमें नहीं है पता, इसलिए केवल हम नहीं कारण हो सकते इसमें। इससे भी अधिक विचित्रता है शब्द की, रूप से हमें केवल रूपी वस्तु का ज्ञान होता है, या रूप से संबद्ध अगर रस हो, गंध हो, तो उसका ज्ञान हो जाता है, लेकिन शब्द से किसी का भी ज्ञान हो जाता है। ऐसा कोई भी कह सकते हैं कि पदार्थ नहीं होता है, जिसका कि ज्ञान शब्द से नहीं हो सकता है। रूप से प्रायः तो नहीं, रूप से हमको केवल जिसमें रूप होता है उसका ज्ञान होता है, या रूप के साथ जो और कोई होता है, रस गंध आदि है, तो उसका ज्ञान हो जाता है। रूप का ज्ञान होने पर उससे संबद्ध होके जो साथ में उसके है उसका हो जाता है, लेकिन शब्द से जो है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसका ज्ञान नहीं होता है, हर किसी का ज्ञान शब्द से होता है। जिसके साथ शब्द का स्थाई संबंध नहीं होता है उसका भी ज्ञान शब्द से हो जाता है। अन्य गुणों में ऐसी विशेषता नहीं है, वो दूसरे का भी असंबद्धों का भी ज्ञान कराए, ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं है। इन शब्द में ये सामर्थ्य है कि वो अपने से असंबद्ध को भी ज्ञान करा देता है।
ये जो है विचित्रता या शब्द के द्वारा किसी अन्य अर्थ का ज्ञान करा देना, ये तो हमारे बिल्कुल बस की बात नहीं है। शब्दार्थ संबंध करना के बिना तो होगा नहीं उसका ज्ञान, लेकिन उन वस्तुओं का शब्द के साथ संबंध कैसे हो सकता है? यहाँ जो हम शब्द शब्दार्थ संबंध करते हैं वो कहाँ करते हैं? जहाँ अर्थ होता है वहाँ कभी नहीं करते हैं। ये पट है, इसको क्या नाम दें, शब्द कौन सा पट कहें इसको, चित्रपट है। चित्रपट, इन दोनों का संबंध हम कैसे करेंगे? हो सकता है क्या इसके साथ? हाँ, चित्रपट शब्द से इस चित्रपट का संबंध करना हो तो कैसे करेंगे? दोनों को मिला पाएंगे कभी? नहीं, अर्थ के साथ शब्द का तो नहीं हो पाएगा ना कभी, लेकिन इस अर्थ का ही तो ज्ञान कराता है वो, बिना संबंध के ज्ञान संभव नहीं है। अर्थ के साथ शब्द का कभी अर्थ हो संबंध होता नहीं है। इसमें रूप है, छू लेते हैं फिर हमको इसके स्पर्श का भी हो जाता है, तो यहाँ कम से कम रूप स्पर्श जुड़ा हुआ है ना, इस कारण से तो चलो कह देंगे इसके साथ ये है जुड़ा, इसलिए एक के कारण दूसरे का ज्ञान हो जाता है। लेकिन शब्द तो कभी जुड़ता ही नहीं है, किसी भी अर्थ से नहीं जुड़ता है, कहीं भी नहीं देखो, कहीं जुड़ा हो तो बताओ, कहीं भी नहीं जुड़ता है, लेकिन बताता सबको है ये तो, और बिना संबंध के हो नहीं सकता ये। अब ये होता है कि ये संबंध कैसे हो जाता है और कहाँ हो जाता है, अब उसका संबंध जो करने वाला है उसके आधार पर वो ज्ञात होगा कि वो कैसे कौन है जो इस संबंध को करने में समर्थ होता है। अपने आप तो संभव नहीं है, शब्द से अर्थ का होगा नहीं, हमारे बस का नहीं है, हम जानते ही नहीं शब्द कहाँ होता है पहले, ये नहीं हमको पता है। और उन्हीं शब्दों से जिनको हम उच्चारण करते हैं उन्हीं से याद पता ज्ञान हो जाता है, तो ये तो सुनिश्चित है कि हम नहीं कर रहे हैं शब्दार्थ संबंध नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये होता कैसे? बिना संबंध के ज्ञान नहीं हो सकता, शब्द कभी हमारे बस में नहीं होता, अर्थ के साथ उसका संबंध होता नहीं बाहर, और बिना अर्थ संबंध के ज्ञान नहीं हो सकता, पर हमको ज्ञान होता रहता है। अब इसमें होता है कि इसका कोई न कोई ऐसा संबंध करता होना चाहिए जिसके साथ शब्द का भी अर्थ का भी संबंध है, जो दोनों को जानता है, क्योंकि बिना जाने जोड़ेगा कैसे वो, किसी न किसी रूप शब्द का अर्थ के साथ संबंध तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो संबंध बनेगा नहीं। अर्थ जहाँ शब्द होता है वो अर्थ कभी नहीं होता, तो इसका मतलब है अर्थ का भी कुछ और विकल्प होगा। साक्षात शब्द और अर्थ का भी संबंध संभव ही नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ शब्द के साथ साथ अर्थ का कुछ और होता है, उनका संबंध होता है। वो और क्या हो सकता है फिर?
ये निधिध्यासन की प्रक्रिया है। क्योंकि ये निश्चित है ना कि अर्थ तो वहाँ है नहीं, अर्थ के पास शब्द नहीं होता, शब्द जहाँ है वहाँ अर्थ नहीं होता, और बिना संबंध के एक दूसरे का जापक नहीं हो सकता हो। तो जब अर्थ का होना असंभव है फिर भी संबंध हो रहा है तो कुछ तो चाहिए ना फिर इसका निमित्त, अर्थ से संबद्ध कुछ वहाँ चाहिए जिसका संबंध होगा, यानी दो ऐसी चीज होगी जिनका आपस में होना चाहिए संबंध। अर्थ तो होगा नहीं, हाँ शब्द भी नहीं आपस में, हाँ और शब्द अर्थ का इसलिए नहीं होगा पर संबंध तो है, संबंध है लेकिन वो इसलिए और इसका संभव नहीं है, इसका मतलब इससे संबद्ध कुछ और होगा ना। संबंध तो यानी ज्ञान तो संबंध पर ही होना है, इसका मतलब और सीधे है ही नहीं, तो इससे संबद्ध कुछ और होगा, उसका संबंध फिर बनता होगा। और अर्थ भी चूंकि दूसरे क्षण में नहीं रहता है, नहीं शब्द, शब्द भी क्षणिक होता है, वो दूसरे क्षण में जाता नहीं है। जब दूसरे क्षण में नहीं जाता है तो जुड़ेगा कैसे ये जा करके, वो तो जिस समय उत्पन्न होगा उतने रहेगा ना, जुड़ने के लिए तो दूसरा क्षण चाहिए, दूसरे क्षण में शब्द होता नहीं है, कभी रहता नहीं है ये, तो जुड़ेगा कैसे फिर, इसका मतलब है कि शब्द भी नहीं जुड़ता है, तो फिर होगा कि शब्द का भी कुछ और है इसके पीछे, उनका जोड़ होता है। हाँ अर्थ का भी कोई है और शब्द का भी कोई है, उन दोनों का जोड़ होता है। हाँ यानी अर्थ का भी हमारे इंद्रियों के माध्यम से चित्त में संस्कार बन जाते हैं, ज्ञान तो रहता नहीं इकट्ठा कहीं, तो वो भी नहीं हो सकता है, दो ज्ञान भी खड़े होके जुड़े ऐसा नहीं होगा। तो इसमें होता है क्या प्रक्रिया कि इंद्रिय अन्य इंद्रियों के माध्यम से इसका संस्कार वहाँ पड़ता है मन में, ऐसे शब्द जो उत्पन्न होता है उसके भी संस्कार वहाँ पड़ जाते हैं, तो दोनों के संस्कार एक देश में उत्पन्न होते हैं, फिर उन दोनों संस्कारों से फिर मन में क्या होता है, एक प्रक्रिया विशेष उत्पन्न होती है, है? पहले तो ये हो गया कि शब्द और अर्थ ये दोनों कभी एक जगह नहीं हुआ करते हैं, नहीं होते हैं ना, जहाँ शब्द होता है वहाँ अर्थ नहीं होता है, तो सीधी सी बात है शब्द का अर्थ के साथ संबंध तो होगा नहीं वस्तुतः, और बिना संबंध के नहीं हो सकता है ज्ञान, तो कोई संबंध ही तो चाहिए। तो इसका फिर ये हुआ कि अर्थ का कुछ और संबंधी है और शब्द का भी कोई संबंधी है, वो दोनों एक स्थल में होते हैं, तो ऐसा पदार्थ अब क्या हो सकता है, वो केवल संस्कार हो सकता है, क्योंकि ये प्रक्रिया सारी मन में होती है, इंद्रियों में भी नहीं हो पाती है, शरीर में भी कहीं नहीं हुआ है, तो अब होता है कि इसका स्थान केवल शरीर इंद्रिय से आगे मन है, मन में संस्कार दोनों के बन जाते हैं, अर्थ का संस्कार इंद्रियों के माध्यम से मन में पड़ जाता है, ऐसे शब्द का भी जो उत्पन्न हो जाता है, ये उत्पन्न होया हुआ शब्द फिर मन में अपना संस्कार बना देता है। अब उन दोनों संस्कारों का फिर उद्बोधन होता है, उस उद्बोधन से मन के अंदर एक विशेष
स्थिति उत्पन्न होती है। उस उत्पन्न स्थिति में मन जब आत्मा से जुड़ता है उसी समय फिर क्या होता है, आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। मन में जो संस्कार है, वो संस्कार उद्भूत होते हैं। हाँ, वो तो आत्मा के प्रयत्न से ही होते हैं। नहीं, दोनों तरफ से होते हैं, वो आत्मा की तरफ से भी होते हैं और बाहर की तरफ से भी होते हैं। कभी कभी होगा ना, अकेले किसी चीज़ को देख रहे हैं तो देखने के कारण पहले इंद्रियां होती है उससे संबद्ध, और इंद्रियां जो है मन को उस रूप में प्रेरित कर देती है। मन तदाकार हो जाता है, विषयाकार हो जाता है। उसी अवस्था में मन आत्मा से जुड़ता है, तब उस विषय के अनुरूप होता हुआ मन जब आत्मा से संबद्ध होता है तो आत्मा में ठीक वैसा ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। एक एक विषयों का अकेला अकेला भी ज्ञान होता है हमको, और एक एक इंद्रिय के साथ भी होता रहता है ऐसा, तो दो का जरूरी नहीं होता है हर समय, अकेले का भी ज्ञान होता है। लेकिन इसका निमित्त सीधे सीधे होता है कि विषय के साथ इंद्रियां, इंद्रिय के साथ मन का होता है सन्निकर्ष, और इंद्रियां विषयानुरूप पहले होती है, विषय के अनुरूप फिर इंद्रियां जैसी होगी, इंद्रियों के अनुरूप मन हो जाता है, और तद अनुरूप होता हुआ मन आत्मा से जुड़ता है। जब उसी समय आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं, और मन की जैसी भी स्थिति रहेगी, मन विषयाकार होता है उस समय, चाहे शब्द रूप में होगा, चाहे रस रूप में होगा, गंध रूप में होगा, रूप रूप में होगा, जिस रूप से भी मन वहाँ पर आवेशित हो गया, तदाकार हो गया, उस तदाकार अवस्था में जब आत्मा से जुड़ रहा होता है तो उसी समय आत्मा में ज्ञान उस विषय के उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही जब दो विषयों से संबंधित संस्कारों के कारण से वहाँ आत्मा की पहले इच्छा होगी, इच्छा प्रयत्न के कारण से अब मन उन दोनों संस्कारों के अनुरूप ही वहाँ फिर से तदाकार होगा, उस तदाकारता के कारण से मन फिर आत्मा से जुड़ेगा, जुड़ता है या जुड़ेगा, उससे फिर उनका दोनों का ज्ञान हो जाएगा वहाँ, और तदाकार दोनों सम्मिलित ही ज्ञान होंगे। अब दोनों ज्ञान उत्पन्न होने से वो मिल जाएंगे आपस में, तो इस रूप में फिर क्या होता है कि बाहर लगता है कि शब्द और अर्थ जुड़ जाते हैं, लेकिन ये सारी जो प्रक्रिया है ये सब एक परस्पर समन्वय के आधार पर बनी हुई है। वहाँ शब्द उत्पन्न नहीं कर सकता आत्मा, शब्द तो उत्पन्न होते हैं कंठ आदि में ही, लेकिन उस उत्पन्न हुए शब्द से फिर मन होता है तदाकार। वो वाणी वाणी रूप में नहीं होती है, वो केवल ज्ञान रूप में होती है, संस्कार रूप में होती है, वो ज्ञान ही बाद में शब्द रूप में अंदर, यानी कंठ से नीचे वाणी कभी उत्पन्न नहीं होती है, कंठ से नीचे केवल नाभि से जो प्राण का होता है संचार, वो केवल ताड़न मात्र करता है, नाभि में कोई वर्ण उत्पन्न नहीं होता है कभी। प्रेरित तो कर सकता है, द्रव्य है वहाँ, उस तरह के प्राण होते हैं प्रेरित, वो ज्ञान के कारण से करता है वो, नहीं हाँ शब्द स्वरूप ज्ञान होगा, हाँ उसको कह देते हैं, यानी वाणी से संबंधित होने के कारण उसको वाणी कह देते हैं, वस्तुतः वाणी नहीं है, शब्द का उच्चारण कंठ से नीचे नहीं होता है, कंठ आदि से ही होता है हर समय। तो
बाकी इसके पीछे होगा वो सब सांस्कारिक होगा या ज्ञानात्मक होगा, उसके केवल स्तर भेद होंगे। तो ज्ञान रूप में होता है या संस्कार रूप में होता है वो। और ये चार प्रकार की वाणी दूसरे विद्वानों के विचार में है, प्रसंति मध्यमा, ये कोई आर्स नहीं है। ये महावाष्य में तो नाम अख्यात उपसर्ग निबात आता है, ये प्रसंति मध्यमा वैकरी ये भर्तरी हरि के उसमें आते हैं, ऋषि के किसी उसमें नहीं आते हैं। ऐसा मतलब या उपनिषद में आते हैं तो दूसरे ढंग से आते हैं, परापसंति मैत्मा वैखरी नाम से भी नहीं आते, ऐसे क्रम से नहीं आता है, ये उनका ही है ये। तो इनका जो होता है ये, इन्हीं की जो उत्पत्ति या ज्ञान की जो होती है, ये सारे के सारे परस्पर के संबंध से होते हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया सिवाय यानी ईश्वर के अतिरिक्त और किसी से संभव नहीं। इन शब्दों का इस रूप में उत्पन्न करना, इतनी इतनी ध्वनियाँ होनी चाहिए, ऐसे ऐसे इसका संबंध हो सकता है, ये सारा कितना क्लिष्ट ज्ञान है। मतलब कितने सारे शब्दों को पहले वो उसके प्रकार इतना करना है। इसमें कहा गया है कि जितने भी जैसे न्याय में आया, यावंतो वे अर्था तावत नाम ध्यानी, जितना भी अर्थ है उतने नाम हैं, प्रत्येक पदार्थों के नाम हैं। अब कितने असंख्य तो अर्थ ही हैं ये, और उतने ही नाम भी हैं। अब इतना नामकरण किसके बस का है, कोई एक व्यक्ति सारे अर्थों को ही नहीं जान सकता, और उन अर्थों के कितने नाम बनाए वो बनाएगा कैसे। 10 व्यक्ति के नाम रखने होते हैं, पसीने छूट जाते हैं पंडित जी के, वो ढूंढने लगते हैं नाम, वो वाला लाओ, पुस्तक लाओ, वो अपनी तरफ से नाम ही नहीं चुन बना पाते हैं, और इतने सारे नाम कैसे मनुष्य बनाएगा, संभव ही नहीं होता है। और हैं जबकि, और कितने कितने वर्णों से, कितनी कितनी प्रक्रिया से पहले शब्द को बनाना और उसके अनुसार फिर अर्थ के साथ संबंध करना, तो अर्थ का भी तो ज्ञान चाहिए। तो ये सब क्या हो सकता है हमारा, और सारा का सारा ये ज्ञान पूर्वक है, भीतर और कोई नहीं है स्थिति, यानी कोई और माध्यम उपाय कुछ नहीं है सिवाय ज्ञान के, ज्ञान पूर्वक ये सारे होते हैं, बाहर किसी यंत्रगम में तो है ही नहीं यंत्रकृत, प्रयत्न मात्र से सारे कार्य होते हैं ये। तो ये केवल बुद्धिमान प्रेरक ही कर सकता है इसको, अंदर बहुत जटिल प्रक्रिया है इसकी, और अंदर के कार्य जितने होते हैं सब ज्ञानपूर्वक होते हैं, ज्ञान प्रयत्न से होते हैं ये। तो ऐसी कोई शक्ति सिवाय ईश्वर के और नहीं हो सकती है, ईश्वर के कारण से ही ये सारा कुछ होता है। तो इसलिए हम ये जो भीतर शब्द का उच्चारण करते हैं या उच्चारण से हमको जो ज्ञान होता है, ये प्रक्रिया जो है, एक तो हमारी चेतना का भी जापक है, और उससे बड़ा है कि इसकी एक महाचेतना भी है, कोई अनंत बुद्धिमान पदार्थ भी है जिनके कारण से ऐसा ये संभव हो पाता है। तो हमारा ये शब्द का जो उच्चारण है या शब्द जो संबंध है, यही ईश्वर का ज्ञापक हो जाता है, क्योंकि और किसी के द्वारा ऐसा संभव नहीं हो सकता है। बाहर शब्द ही नहीं मिलेंगे, पहले तो सब अंदर की चीज़ें होती है, अंदर किसी और का प्रवेश नहीं है, और बिना बुद्धिपूर्वक के ये हो नहीं सकता है ज्ञानपूर्वक। तो ऐसा सर्वव्यापक सर्वज्ञ ईश्वर के कारण से, महाचेतन के कारण से ये हो सकता है, इसलिए इससे ईश्वर की सिद्धि होती है।